एक आए कि हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। सोचिए सर, कह रहे हमारी सरकार आई, आदिल चौधरी इनका नाम है, हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लेने की बात कर रहा है। ये वीडियो भी देखिए। तो एक और विवादित बयान आदिल चौधरी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये सैयद असीम वकार, ये किस तरह की बयानबाजी है? ये कौन कर रहा है ध्रुवीकरण? ये खाई पैदा क्यों की जा रही है? इस देश में दावा तो सभी करते हैं कि हम तो दबे कुचले वंचित समाज की वकालत करते हैं, ये ऐसे वकालत हो रही है डरा के धमका कर बदला लिया जाएगा, ये धमका कर? नहीं, एक मैंने भी अभी एक वीडियो जारी किया है, आप तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है मुझे नहीं पता। आजम खान साहब के साहबजादे जनाब अब्दुल्ला आजम साहब से इधर मैं 3-4 दिन से लगातार देख रहा था, वो बयानात जारी कर रहे थे। मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं लोग, ये लोग दूसरों को सीख दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं। अब अब्दुल्ला साहब ओवैसी साहब को सबक दे रहे हैं कि चुनाव मत लड़िए, नुकसान हो जाएगा पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। साहब हम नहीं ठेकेदार हैं किसी बहुजन समाज के या समाजवादी के, जनता दल के या आरजेडी के या टीएमसी के या कांग्रेस के, हम अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं। और अब्दुल्ला आजम साहब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब नुकसान हो जाएगा, समझिए मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा। तो अब्दुल्ला आजम साहब, आपके चैनल के जरिए से कह रहा हूं, आपको मुसलमानों से ओवैसी साहब को नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन जो मुसलमानों की इज्जत को नुकसान हो रहा है, उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप एक सवाल अखिलेश जी से नहीं पूछ पाए, आप माइक करके, माइक पकड़ के आप ओवैसी साहब से सवाल कर रहे हैं, MIM से सवाल कर रहे हैं, आपको हम लोगों पर एतराज है, हम लोगों से एतराज है। आपने अखिलेश जी से पूछा कि सुनील सिंह को क्यों लिया पार्टी में, मुसलमानों के जज्बात कुचल दिए। वो सुनील सिंह जो मुसलमानों की मरी हुई औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ तौबा नऊज बिल्ला गंदे काम की बात कह रहा है, क्या फायदा है आपका उससे? मुसलमानों को कितना फायदा होगा सुनील सिंह से? हसनपुर की सीट आपके बराबर की सीट है अब्दुल्ला आजम साहब, उस सीट पर, हसनपुर की सीट पर मुखिया गुजर को टिकट दे दिया गया, और मुखिया गुजर आरएसएस का वो कैडर है जो खाकी नेकर पहनकर पैदा हुआ, जो 6 दिसंबर को हर साल 1992 के बाद 6 दिसंबर को वो शौर्य दिवस और भगवा दिवस मनाता है, उसको आप टिकट दे रहे हैं। आप अपने पार्टी से सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्या फायदा होगा मुखिया गुजर से? मुसलमानों का क्या फायदा कराना चाहते हैं आप सुनील सिंह से और मुखिया गुजर से? ठीक है, जवाब दीजिए, आप बता रहे हैं मुसलमानों, जवाब दीजिए, मनोज काका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हालांकि वकार साहब, मैं कहूंगी आप भी बस मुसलमान 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 कहते रहे। एक लाइन बोल दूं उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैडम एक लाइन बोलना चाह रहा था, देखिए आप अगर हम पे हमला करेंगे तो हमारी तरफ से हमले की तैयारी कर लीजिए आप। मैं अब्दुल्ला आजम साहब से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप में हिम्मत नहीं है ये सवाल पूछने की, अखिलेश जी से कि क्या फायदा होगा मुसलमानों का? सवाल पूछिए, आप क्या फायदा कराना चाहते हैं सुनील सिंह से और मुखिया गुजर से? सर सुनिए, प्लीज लेट मी गेट क्लैरिटी ऑन दिस। आप मुझे धमका रहे कि मैं आपसे सवाल ना करूं? वकार साहब आज क्लियर कर दीजिए, सर क्लियर कर दीजिए, आज क्लियर हो जाए। आप एंकर को धमका रहे हैं कि मैं आपसे सवाल ना करूं? उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बोलिए ना। नहीं, मैंने जो कहना था कहा। नहीं नहीं, आपने जो कहा मैं उस पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अब आपको, आप मुझे धमका रहे हैं और आप तैयारी क्या करेंगे? मुझे पिटवाएंगे, कहा धमका, हमला करवाएंगे? नहीं, आपकी तैयारी कहा मैंने?
नहीं नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहा मैंने? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहा? नहीं नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप धमकाएंगे मुझे डिस्कशन पे बैठकर? इलाज होने वाला है? आप डिस्कशन पे बैठकर मुझे धमकाएंगे? अपना इलाज कराइए। नहीं नहीं आप अपना इलाज कराइए। ये निजी टीका टिप्पणी मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। ये निजी टीका टिप्पणी मुझ पर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी और मैं अब्दुल्ला आजम से भी सवाल पूछूंगी और मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी। आप जितने लोग ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे सबसे सवाल पूछूंगी। आपको बुरा लगता है तो लगने दीजिए और इलाज उन्हें कराना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। इलाज कराइए आप अपना अपना इलाज कराइए। आप जो आप मुसलमानों की आगे सुन नहीं पाते हैं या सोच नहीं पाते हैं आप और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आप दोबारा चलाइए इसको। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। तो दीजिए आपके लेवल पर जाकर डिबेट नहीं करती मैं, लेकिन आपको जवाब देना जरूरी है। मुझे धमकाइएगा नहीं, ऐसे नहीं करती। बोलने तो दीजिए। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे धमकाइए नहीं। मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बोला ना आपने इतनी देर से। अरे मुझे बोलने तो दीजिए और बोल लीजिए और धमका लीजिए।